तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पोटेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा से। तो ये जो स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं ये आपको देखने हैं। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मोस्टली जो शुरू होते हैं वर्ल्ड से और एंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो मोस्टली यहाँ पर ही हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन आता है वो मोस्टली यहाँ पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जस्ट लाइक नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यहाँ पर है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ्स एंड ट्रेड। ये जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम था पहले, गेट, गेट बोल सकते हैं इसको। यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूएन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो जिनेवा से जो महत्वपूर्ण नेम है जो आपको याद रखने हैं, जर्नली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट इज़ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड आईएसओ, गेट। तो ये पूछे जा सकते हैं जिनेवा से। तो अब मनी के रिलेटेड, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, यूएसए। तो वाशिंगटन डीसी से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की दो ब्रांचेज हैं, एक तो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकंड आईडीए। तो ये दोनों जो हैं ये हैं वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। नेक्स्ट वन इज़ द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी है वाशिंगटन डीसी में। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों के प्रेजिडेंट्स के नेम बताने हैं। नेक्स्ट वन इज़ द यूनेस्को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट वन इज़ द ओईसीडी, ओईसीडी ये अभी पेरिस के दोनों लिखे हैं एक ही जगह पर। OECD इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। OECD एंड यूनेस्को, ये दोनों में से यूनेस्को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट OECD भी आपको ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है फिलीपाइंस मनीला में। नेक्स्ट वन इज़ द सार्क, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनकी एक एसोसिएशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट में जो एशिया के नेशंस हैं उसकी एक एसोसिएशन है एशियान, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जकार्ता। नेक्स्ट इज़ द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर है नरोबी केनिया में, केनिया नरोबी में, केनिया के नरोबी में जो है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। नाटो, नेक्स्ट वन इज़ द नाटो, नाटो का है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, ये है लायोंस फ्रांस, लायोंस फ्रांस में है इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट वन इज़ द बीम स्टैक, ये बे ऑफ बंगाल के रिलेटेड है, इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल, इसकी पूरी फुल फॉर्म आप नेट से देख लेना, बीम स्टैक, इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। यूएन डे किस दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, तो उस दिन हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को यूएन, यूनाइटेड नेशंस डे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम इटली में, रोम इटली में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स में कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं इसको। यह है शंघाई चाइना में। तो जर्नली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज़ कैसे होते हैं कि एग्ज़ाम में आपको शंघाई और बेजिंग दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि ये शंघाई में है, ना कि बेजिंग में। बेजिंग तो चाइना की कैपिटल है ना, तो कैपिटल में नहीं है, ये शंघाई में है। शंघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेशनल सोलर अलाइंस। इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ये है गुरुग्राम इंडिया में, गुरुग्राम इंडिया। यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, रेफ्यूजीज़ के लिए हाई कमीशन वाला जो है, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, ये है जनेवा में। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क यूएसए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ये रिलीज़ करते हैं यूएनडीपी वाले, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। यूनिसेफ, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड न्यूयॉर्क यूएसए में है इसका भी, तो यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ ये भी न्यूयॉर्क में है। तो जर्नी जिनके आगे यूएन लगता है, तो मोस्टली अगर आपको ना याद रहे तो यूएन जिनके आगे लगता है तो आपको उनको न्यूयॉर्क ही लगाना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज़ द लंडन। लंडन में बहुत एक इम्पोर्टेंट है अमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमनेस्टी। अमनेस्टी जो है वो है लंडन इंग्लैंड में। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है लंडन इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ के रिलेटेड भी है, लंडन इंग्लैंड में। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना अस्टरिया में, वियना अस्टरिया में ये पाए जाते हैं। इंडस्ट्री के रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड और पेट्रोलियम के रिलेटेड है वियना अस्टरिया में। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है हमारी हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक की कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पे है, लोसाने स्विट्जरलैंड में, लोसाने स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, IUCNB है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में, सिविल एविएशन के रिलेटेड है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेजिंग चाइना में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ इन दी बेजिंग चाइना। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में। BIS ये है बेसल स्विट्जरलैंड में। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमने पढ़े थे जिनेवा के, तो जिनेवा में बेसिकली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल, लेबर वाली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली, रेड क्रॉस वाली और हेल्थ और हेल्थ वाली, ISO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, GATT। तो ये थी बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो नेक्स्ट इज़ द मनी के रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक एंड IMF इज़ इन द वाशिंगटन DC। फिर है यूनेस्को, पेरिस, फ्रांस और OECD, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वाली भी पेरिस, फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला में। सार्क है हमारा काठमांडू, नेपाल में। एशियान है इंडोनेशिया, जकार्ता में। इन्वायरमेंट वाला नैरोबी केन्या में। नाटो ब्रुसेल्स में। इंटरपोल लायंस फ्रांस में। बिम्स्टेक ढाका बांग्लादेश में। फूड के रिलेटेड रोम इटली में। न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना, शंघाई चाइना में। सोलर अलायंस गुरुग्राम। यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी जिनेवा में।
हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज वाला, यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी न्यूयॉर्क, UNFPA भी न्यूयॉर्क, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, कॉमनवेल्थ वाला भी लंदन में, मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम के रिलेटेड वियना ऑस्ट्रिया में, कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग द नीदरलैंड में, ओलंपिक के रिलेटेड स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और हमारा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज़ इन दी ग्लैंड स्विट्जरलैंड ऑल्सो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक ये है बैजिंग चाइना में, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मॉन्ट्रियल कनाडा में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बैसल स्विट्जरलैंड में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो फर्स्ट शुरू करते हैं द जनवरी से। फर्स्ट इज 9 जून। 9 जून को क्या होता है NRI डे। NRI डे किस दिन मनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। NRI डे को किस दिन मनाया जाता है, 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, उस दिन को हम NRI डे के लिए मनाते हैं। सेकंड वन इज़ द 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है इस दिन। तो इसको क्यों मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, इसको क्यों मनाया जाता है, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, इस दिन विवेकानंद का बर्थडे होता है इसलिए मनाते हैं हम इसको। 15 जनवरी इज़ द आर्मी डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। तो और जनवरी के दो और डेज हैं, 30 जनवरी, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को गांधी जी का कत्ल हो गया था तो 1948 में, तो इस दिन हम मार्टियर्स डे मनाते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो ये जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो आपको लर्न करने हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल यूथ डे ऑन दी बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द फेबरी। फेबरी में कौन कौन से डेज हैं ये पहले देखते हैं हम। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, एंड 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। तो इन फरवरी के डेज में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल साइंस डे। इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी 1928 में। तो 1930 को उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, नोबल प्राइज़ 1930 में उनको मिला था, और सीवी रमन ने 1928 में डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फरवरी के डेज में से। नेक्स्ट वन इज़ मार्च। मार्च में 8 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेंस डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे, एंड 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। एंड ये हैं मार्च के सभी डेज, ये मार्च में से आपने यही करने हैं 5। और पांचों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे आपको पूछा जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड वर्ल्ड वाटर डे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को आपने अच्छे से लर्न करना है। देन नेक्स्ट वन इज़ द अप्रैल। अप्रैल में कौन कौन से हैं डेज। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, नेशनल मैरिटाइम डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, एंड और भी हैं अप्रैल में से। 14 अप्रैल को अंबेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, एंड 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। तो इसमें से कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट, 2 अप्रैल वाला भी इम्पोर्टेंट है, 7 अप्रैल वाला वर्ल्ड हेल्थ डे ये भी इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट वन इज़
22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके थीम की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट डेज के ही थीम बताऊंगा 2020 और 2019 के। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, तो एक आपको ये पंचायती डे वाला, पंचायती दिवस, नेशनल पंचायती दिवस 24 अप्रैल, 24 अप्रैल नेशनल पंचायती दिवस, ये भी आपको याद रखना है। तो आयुष्मान भारत दिवस भी एक बार आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट डेज मिलेंगे यहाँ से। वर्ल्ड मलेरिया डे कई कई बार पूछा जा सकता है 25 अप्रैल को। देन नेक्स्ट मई, मई में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, ये इम्पोर्टेंट है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे, ये पहले इम्पोर्टेंट नहीं था बट अब एग्ज़ाम्स में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल नर्सिस डे। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, राजीव गांधी की डेथ हुई थी उस दिन, राजीव गांधी का कत्ल हुआ था। वर्ल्ड नो तंबाकू डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है ये। वर्ल्ड नो तंबाकू डे दैट इज 31 मई, SSC रेलवे के लिए, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड नो तंबाकू डे। मई के 1st संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड मई के 2nd संडे को मदर्स डे। तो इसमें से आपको कौन कौन से अच्छी तरह लर्न करने हैं, पहला, दूसरा इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 मई को, एंटी टेररिज्म डे, तो ये तो आपको लर्न होगा ही, 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे, और ये दोनों आपने ध्यान में रखने हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड मदर्स डे। नेक्स्ट वन इज़ जून। जून में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है June 5, दैट इज़ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 2nd वन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा डे वाला भी इम्पोर्टेंट है, और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। June 3rd संडे को होता है फादर्स डे। 8 जून को होता है वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे, ये जून के आपने याद रखने हैं। तो ये हमने किए इम्पोर्टेंट डेज, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इनको। जनवरी हमने किए हैं 9 जून को, 9 जून को NRI डे, 12 जून को जनवरी को नेशनल यूथ डे, 9 जनवरी को NRI डे, 15 जनवरी को आर्मी डे, आर्मी डे भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें से आपने ये सारे ही वैसे इम्पोर्टेंट ही हैं, 13 जनवरी को मार्टियर्स डे एंड 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस डे, 2 फरवरी को, ये इसमें से फरवरी में से आपने ये सिर्फ याद कर लीजिए, नेशनल साइंस डे, CV रमन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, और इसमें से वर्ल्ड वाटर डे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, और वर्ल्ड वाटर डे ही है उसमें से इम्पोर्टेंट, यहाँ से इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड हेल्थ डे एंड वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, वर्ल्ड अर्थ डे, नेशनल पंचायती दिवस डे और आयुष्मान भारत दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है 30 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज़ मई में इंटरनेशनल लेबर डे इज़ इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल नर्सिस डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ जून में दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जुलाई में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है इंडिया में, नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय बर्थडे होता है इस दिन, बर्थडे होता है किनका, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। 1 जुलाई को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे भी होता है, 1955 में ये बनी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे वाला, ये बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 26 जुलाई को ये इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए, कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल विक्ट्री डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो इसमें से आपको एक नेशनल डॉक्टर्स डे थोड़ा ध्यान में रखना है, और कारगिल विक्ट्री डे, ये दोनों आपको डेज थोड़े ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अगस्त। अगस्त में से 6 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे बोलते हैं इसको 6 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी डे, ये हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जो दोनों शहर जापान में हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था बाय दी अमेरिका ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
6 अगस्त को हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त को नागासाकी डे। क्विट इंडिया डे, क्विट इंडिया डे भी होता है 9 अगस्त को, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। जो पीपल होते हैं मतलब वहाँ के रहने वाले स्वदेशी, उनका भी ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। नेक्स्ट वन इज़ 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब था? 12 जनवरी को। 12 अगस्त को कौन सा होता है? इंटरनेशनल यूथ डे। 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे। 10 अगस्त हम छोड़ गए थे पहले, 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड लोयन डे, वर्ल्ड लोयन डे होता है 10 अगस्त को। 19 अगस्त को होता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 29 अगस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 29 अगस्त वाला, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है? बर्थडे ऑफ हॉकी मैजिशियन ध्यानचंद। ध्यानचंद के बर्थडे वाले दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, और ये जो ध्यानचंद थे ये हॉकी के प्लेयर थे। तो इसमें से आपको जो याद रखने हैं वो, एक तो नेशनल स्पोर्ट्स डे वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक वर्ल्ड लोयन डे इम्पोर्टेंट इतना नहीं है बट आपको ध्यान में रखना है, और क्विट इंडिया डे, ये डे इतने, बाकी सभी डे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड वर्ल्ड लोयन डे ये ध्यान में रखने हैं अगस्त में से। नेक्स्ट वन इज़ सितंबर। सितंबर में 5 सितंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है, टीचर्स डे होता है, बर्थडे ऑफ एस राधा कृष्णन। राधा कृष्णन जी के बर्थडे वाले दिन ही टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। 8 सितंबर को मींस होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है भी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंजीनियर्स डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंजीनियर्स डे इंडिया का, इंडिया का इंजीनियर्स डे होता है 15 सितंबर को। बर्थडे ऑफ विश्वेश्वरय्य, विश्वेश्वरय्य जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, उनके डे बर्थडे वाले दिन ये 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे, इंजीनियर्स डे, हिंदी दिवस और टीचर्स डे, ये सारे डेज ही इम्पोर्टेंट हैं। वर्ल्ड ओजोन डे, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो 16 सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन कहाँ पाई जाती है? डोब्सन यूनिट में इसको मेज़र किया जाता है, और ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। पहला स्फीयर होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होता है मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये एक बार आप लेयर्स पढ़ लेना। तो उसमें स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है, और वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और ओजोन में जो होल हो रहे हैं, डिप्लीशन हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं। 21 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो आपको सितंबर में से जो याद रखने हैं, टीचर्स डे जो कि बर्थडे ऑफ राधा कृष्णन के दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस और इंजीनियर्स डे, वर्ल्ड ओजोन डे, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ अक्टूबर। अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, हिंसा का दिन मनाया जाता है इसको पूरे इंटरनेशनली। इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर हमने छोड़ दिया था वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। तो आपको यहाँ से आप दो ध्यान में रखने हैं, इंडियन एयरफोर्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट वन इज़ नवंबर। नवंबर में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना आज़ाद का बर्थडे था इस दिन, तो मौलाना आज़ाद के बर्थडे वाले दिन नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू का था इस दिन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। तो ये आपको यहाँ से दो ही ध्यान में रखने हैं, नेशनल एजुकेशन डे एंड चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट वन इज़ दिसंबर। दिसंबर में 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज़, डिसेबल पर्संस के लिए इंटरनेशनली जो डे है वो क्या है, 3 दिसंबर को। नेवी डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेवी डे इंडिया का दिसंबर 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नेवी डे इंडिया में।
7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये 7 दिसंबर को दोनों दिन होते हैं। 23 दिसंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर इज़ द किसान दिवस, किसान दिवस होता है 23 दिसंबर वाले दिन। बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किसान दिवस 23 दिसंबर को। एंड 9 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। वैसे तो जितने भी डेज़ हमने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप सारे के सारे लर्न कर सकें तो बहुत अच्छा है, अगर आप सारे के सारे ना भी लर्न कर पाएँ तो कौन कौन से आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, जो कि 100% आपको, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इनको रिवाइज़ करना ही करना है। दैट इज़ द नेशनल डॉक्टर्स डे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो SBI फाउंडेशन डे। दैन नेक्स्ट वन इज़ यहाँ से और कोई नहीं करना, 6 अगस्त के महीने में आपको करने हैं हिरोशिमा डे, नागासाकी डे, ये ध्यान में रख लेना, और वर्ल्ड लोयन डे, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये किसके बर्थडे के दिन मनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है, और वो किस चीज़ के प्लेयर थे ये भी पूछा जा सकता है। ध्यानचंद जो कि हॉकी के प्लेयर थे, उनके बर्थडे वाले दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्णन के बर्थडे पर मनाया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। और इसमें हिंदी दिवस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी दिवस भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर्स डे भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंडियन एयरफोर्स डे इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज़ नेशनल एजुकेशन डे इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, बर्थडे ऑफ मौलाना आज़ाद। चिल्ड्रंस डे इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देन नेक्स्ट वन इज़ दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नेवी डे, ये भी इम्पोर्टेंट है 4 दिसंबर को, और किसान दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह के दिन पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मैं बाद में बताए हैं, ये तो आपको 100% ही लर्न करने हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते, तो बाकी के भी अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस, के हम नेम करेंगे और कौन कौन सी कंट्री के बीच ये बाउंड्री लाइन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आइदर आपको इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पूछी जाए और इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में पूछी जाए, तो उस लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट वन इज़ द डोरेन लाइन। दिस इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को बोलते हैं डोरेन लाइन। नेक्स्ट वन इज़ द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्या है, एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है इंडिया एंड चाइना के बीच में लाइन, और मैकमोहन लाइन जो है ये ईस्ट में है, ईस्ट में, ईस्ट स्टेट्स जो है इंडिया की उस तरफ जो इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। दिस इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ईस्ट। एक लाइन और है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इंडिया एंड चाइना के बीच में। LOC भी है लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में LOC भी है। देन नेक्स्ट वन इज़ हिंडनबर्ग लाइन। दिस इज़ बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ये बनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पे ये बनी थी लाइन, हिंडनबर्ग लाइन, बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट वन इज़ द ओडर नेसे लाइन। दिस इज़ बिटवीन पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में आफ्टर माथ ऑफ द वर्ल्ड वार टू के बाद ये लाइन बनी थी, ओडर नेसे लाइन। नेक्स्ट वन इज़ मैगिनोट लाइन। फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में लाइन क्या है, मैगिनोट लाइन। एंड सेकेंड वन इज़ सैगफ्रन लाइन, ये भी फ्रांस एंड जर्मनी के बीच है। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह बनी थी, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच सैगफ्रन लाइन। ये जो पैरलर्स हैं ये भी आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट वन इज़ द 38th पैरलर। 38th पैरलर इज़ बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, 38th पैरलर। नेक्स्ट वन इज़ द 17th पैरलर। 17th पैरलर किस किस के बीच में है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 49th पैरलर।
यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। तो यहाँ तक वाली तो आपको सभी अच्छी तरह से लर्न करनी है। अब हम इसके नेक्स्ट और भी कर लेते हैं, 20th पैरेलल। 20th पैरेलल इज बिटवीन लीबिया एंड सूडान। लीबिया एंड सूडान के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, 20th पैरेलल। नेक्स्ट वन इज 22nd पैरेलल, इजिप्ट एंड सूडान। इजिप्ट एंड सूडान के बीच में है 22nd पैरेलल। 31st पैरेलल इज बिटवीन ईरान एंड इराक। मैनरहेम लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है, बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। रशिया एंड फिनलैंड के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनरहेम लाइन इज बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। नेक्स्ट वन इज द 24th पैरेलल। 24th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में है ये, नोट एक्सेप्टेड बाय इंडिया। इसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ 24th पैरेलल को, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है ये लाइन। नेक्स्ट वन इज़ द 25th पैरेलल, मोरितानिया एंड माली के बीच में है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शुरू से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। ड्यूरेन लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना। हिंडनबर्ग एंड ओडरनेसे लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। मैगिनोट एंड सेगफ्रेंड लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। 38th पैरेलल बिटवीन दी कोरिया साउथ नॉर्थ, एंड 17th पैरेलल विद दी वियतनाम साउथ नॉर्थ, एंड 49th पैरेलल इज बिटवीन यूएसए एंड कैनेडा। 20th पैरेलल बिटवीन लीबिया एंड सूडान। 22nd पैरेलल बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। ईरान इराक में 31st पैरेलल। मैनरहेम लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। 24th पैरेलल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनरहेम लाइन 24th पैरेलल इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडिया, सो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25th पैरेलल बिटवीन मोरितानिया एंड माली। तो ये थी आज की हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस। करते हैं द फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पासिस इन इंडिया। हम शुरू करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर से फर्स्ट है पीर पंजल पास। पीर पंजल पास इज़ इन जम्मू एंड श्रीनगर रोड। जम्मू से जो श्रीनगर को रोड जाता है, वहाँ पर है ये। पासिस फ्रॉम दिस पास, इस पास से होकर गुजरता है वो, पीर पंजल पास से। देन नेक्स्ट इज़ द बैनीहाल पास। जम्मू एंड कश्मीर में ही है ये बैनीहाल पास। जम्मू श्रीनगर रोड पे है, पासिस फ्रॉम दिस। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, जो इंडिया की सबसे बड़ी लंबी जो है रोड टनल है, वो इसी पे है। ज्वार टनल इसको बोलते हैं, इज सिचुएटेड ऑन दिस पास। देन नेक्स्ट वन इज़ द जोजीला पास। जोजीला पास इज ऑल्सो इन द जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर टू ले जाते वक्त ये आता है, जोजीला पास। नेक्स्ट वन इज़ द खरदुंगला पास। खरदुंगला पास इज़ इन दी लद्दाख। खरदुंगला पास कहाँ पे है, लद्दाख में। गेटवे टू नुब्रा एंड श्योंक वैली। नुब्रा एंड श्योंक वैली को गेटवे है ये, एंड तुरतुक विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है इस साइड पे लद्दाख में। शियाचिन ग्लेशियर इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक है ये खरदुंगला पास। शियाचिन ग्लेशियर के तरफ जाते वक्त ये आता है खरदुंगला पास। और जो हाईएस्ट मोटरेबल जे पास है, बाइक जा सकती है यहाँ पर। कराकोरम पास इज इन दी लद्दाख। इंडिया टू चाइना ये लिंक करता है इंडिया से चाइना को, कराकोरम पास इन दी लद्दाख। देन बुर्जिल पास जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चांगला पास लद्दाख। अगिल पास लद्दाख एंड चाइना, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट वन इज द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आपको तीन नाम याद रखने हैं, शिपकीला पास, बारालाचाला पास, रोहतांग पास। ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश पे हैं। शिपकीला पास सतलुज रिवर के नज़दीक है। शिमला टू तिब्बत जाते वक्त ये आता है शिपकीला पास। मनाली टू ले जाते वक्त आता है बारालाचा पास। मनाली से जब हम ले की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है बारालाचा पास। रोहतांग पास कुल्लू से किलोंग जाते वक्त ये आता है। आल्सो ये मनाली से ले की तरफ जाते वक्त भी इसको हम बोल सकते हैं रोहतांग पास को। तो पहले रोहतांग पास आएगा, बाद में बारालाचा पास आएगा। देन नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में तीन आपको नेम याद रखने हैं, माना पास, नीति पास, लिपू लेक पास। माना पास, नीति पास, लिपू लेक पास। तो माना पास एंट्री टू मानसरोवर लेक थ्रू दी, ये तीनों के तीनों एंट्री टू मानसरोवर लेक थ्रू दी कैलाश वैली।
कैलाश वैली के थ्रू मानसरोवर लेक की तरफ ये एंट्री देते हैं। देन नेक्स्ट वन सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से पास है अब हम वो जानेंगे। जेलपला पास, फर्स्ट इज द जेलपला पास इज इन द सिक्किम, क्रिएटेड बाय तिस्ता रिवर वे टू भूटान, ये है। नाथुला पास, नाथुला पास भी सिक्किम में है, एंट्री टू चुंबी वैली, ये इंडिया से चाइना की तरफ, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, इंडिया से चाइना की तरफ जाते वक्त आता है, चाइना का जो तिब्बत रीजन है उस तरफ है ये, उसके रास्ते में है ये। देन नेक्स्ट वन इज़ द अरुणाचल प्रदेश, इट लिंक्स, ये लिंक करता है इंडिया को चाइना, चाइना तिब्बत रीजन और इंडिया को सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आपको तीन नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ द बोमडीला पास, बोमडीला पास रोड लीडिंग टू तिब्बत थ्रू तवंग वैली, ये तिब्बत की तरफ जाता है थ्रू तवंग वैली से होकर। यंगयप पास, एंट्री ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ये जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर है ये यंगयप पास। देन नेक्स्ट वन इज़ द पंगसर पास इज़ इन द डिब्रूगढ़ टू म्यांमार, डिब्रूगढ़ से जब म्यांमार की तरफ जाते हैं तब आता है ये पंगसर पास इन द अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंट पासिस इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पासिस है अब हम वो जानेंगे। शैनकोटा पास, शैनकोटा पास इज इन द केरला, कोलम से मदुराई को लिंक करता है, कोलम और मदुराई के बीच में है ये, लिंक करता है उनको शैनकोटा पास केरला में। देन नेक्स्ट इज़ द पालघाट, पालघाट इज़ इन द केरला आल्सो, पलक्कड़ से कोयम्बटूर को लिंक करता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से लिंक करता है, इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। बोरघाट पास, बोरघाट पास इज़ इन द महाराष्ट्र, मुंबई से पुणे की तरफ जाते वक्त आता है ये, मुंबई को पुणे से लिंक करता है बोरघाट। थालघाट, थालघाट इज़ इन द आल्सो इन द महाराष्ट्र, इट लिंक्स मुंबई एंड नासिक, मुंबई से नासिक के बीच में है ये, मुंबई को नासिक से लिंक करता है। ये थे इम्पोर्टेंट पासिस ऑफ द इंडिया। अब हम बात करते हैं कि पासिस का मीनिंग क्या है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना होता है तो पहाड़ों को बीच में से काट के एक रास्ता बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं पासिस। तो वो हमने कौन कौन सी स्टेट में से मेनली करने हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये तो दोनों अभी यूटी बन चुके हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से किए, उसके बाद उत्तराखंड से किए, और नेक्स्ट वन हमने सिक्किम से किए, और देन अरुणाचल प्रदेश से किए, फिर साउथ इंडिया के किए। दोबारा रिपीट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड देन साउथ इंडिया, ये वाले आपको करने हैं पासिस। तो वहाँ से हमने कितने कितने पास याद रखने हैं वो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जम्मू कश्मीर से आपको पीर पंजल, बैनीहाल, जोजिला, खरदुंगला, ये ही याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के शिपकिला, बारालाचाला, रोहतांग पास। देन उत्तराखंड से माना पास, नीति पास, लिपु लेक पास। सिक्किम से जेलपला, नाथुला पास। एंड अरुणाचल प्रदेश से आपको बोमडीला, यंगयप पास, पंगसन पास। इम्पोर्टेंट पासिस इन साउथ इंडिया से करने हैं आपको शैनकोटा पास, पालघाट, बोरघाट एंड थालघाट। ये सभी पासिस आपको याद रखने हैं, तो इनमें से कोई एक पास आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द इम्पोर्टेंट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स और डैम्स इन इंडिया। तो फर्स्ट हम स्टेट करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें के चेनाब रिवर पे पहले हम करेंगे। चेनाब रिवर पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं, बगलीहार डैम, सलल, दलहस्ती एंड रणवीर सागर डैम। ये चार डैम्स के नेम आपको याद रखने हैं, बगलीहार डैम, सलल, दलहस्ती एंड रणवीर सागर डैम। ये चारों के चारों जो हैं ये चेनाब रिवर पर हैं। नेक्स्ट वन इज़ द जेहलम रिवर, जेहलम रिवर जम्मू एंड कश्मीर में, जेहलम रिवर पर एक उरी डैम, नियर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड तुलबुल प्रोजेक्ट, ये दोनों जो हैं ये जेहलम रिवर पे जम्मू एंड कश्मीर पर हैं। नेक्स्ट वन इज़ द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर पर चमेरा डैम, सतलुज रिवर पर भाखड़ा डैम, गोविंद सागर डैम भी कहते हैं इसको, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है ये इंडिया का, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, गोविंद सागर डैम और भाखड़ा डैम भी बोलते हैं इसको। और सतलुज रिवर पे है नाथपा जकरी डैम, नाथपा जकरी डैम एंड कोल डैम, नाथपा जकरी डैम, नाथपा जकरी एंड भाखड़ा डैम एंड कोल डैम, ये तीन डैम आपको सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश के याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ब्यास रिवर, ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में, ब्यास रिवर पे है पोंग डैम, पोंग डैम भी ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट वन इज़ पंजाब, पंजाब में है रावी रिवर पर रंजीत सागर डैम, इसको थेन डैम भी बोलते हैं, रंजीत सागर डैम। एक था रणवीर सागर डैम जो किस पे था, चेनाब पे, ये है रंजीत सागर डैम पंजाब में। नेक्स्ट वन इज़ उत्तराखंड, उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर टहरी डैम है, हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट डैम है ये हमारा टहरी डैम भागीरथी रिवर पर, गंगा की ही ये, गंगा इससे ही जुड़ के बनती है देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनाते हैं देवप्रयाग में। नेक्स्ट वन इज़ रामगंगा रिवर, ये इस पे है रामगंगा ही डैम, रामगंगा रिवर पे रामगंगा डैम। नेक्स्ट वन इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है उत्तर प्रदेश में ओन रिहान रिवर, रिहान रिवर पे, ये एक ही आपको नेम यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ बिहार, बिहार में है सोन रिवर पे इंद्रपुरी बैरेज, इंद्रापुरी बैरेज, इंद्रापुरी बैरेज इज़ इन ओन सोन रिवर इन बिहार। नेक्स्ट वन इज़ राजस्थान, राजस्थान में चंद्रबंगा रिवर पर चंद्रबंगा डैम एंड चंबल रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर पे है जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम एंड कोटा बैराज, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और कोटा बैराज। नेक्स्ट वन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पे है ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम। नेक्स्ट वन इज़ चंबल रिवर, चंबल रिवर मध्य प्रदेश में भी बहती है, इस पे है गांधी सागर डैम, चंबल रिवर पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये दोनों को दोनों, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर डैम ये चंबल रिवर पर हैं। नेक्स्ट वन इज़ गुजरात, गुजरात में नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम ओन नर्मदा रिवर इन गुजरात, और नर्मदा रिवर पर एक हमने और पढ़ा है ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज़ ताप्ती रिवर, ताप्ती और तापी रिवर भी बोलते हैं इसको, ओकई डैम, ताप्ती रिवर इज़ आल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इस पे है ओकई डैम एंड काकारो पारा डैम, काकारो काकोरा डैम पारा डैम, काकोरा पारा डैम एंड माही रिवर पे है कडाना डैम, कडाना डैम, कडाना डैम ऑन माही रिवर। माही, ताप्ती और नर्मदा गुजरात में बहती हैं, ये नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम, ताप्ती रिवर पर उकाई डैम, काकोरा पारा डैम एंड कडाना डैम माही रिवर पर। नेक्स्ट वन इज़ उड़ीसा, उड़ीसा में महानदी, महानदी रिवर पे है हीराकुंड डैम, ये भी इम्पोर्टेंट है, महानदी रिवर पे उड़ीसा में हीराकुंड डैम है, इंडिया लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम है इंडिया का, ओन इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर में उड़ीसा में इंद्रावती डैम है, इंद्रावती रिवर पे इंद्रावती डैम है, ठीक है। तो एक ऐसा हमने बिहार में भी किया था, इंद्रापुरी बैरेज था वो सोन रिवर पे। नेक्स्ट वन इज़ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पे गंगा रिवर पे फरक्का बैराज है, जहाँ से गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, फरक्का बैराज। नेक्स्ट वन इज़ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पे है नागार्जुना सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम इन दी आंध्र प्रदेश ऑन कृष्णा रिवर, ये भी आपको याद रखना है। ऑन गोदावरी, गोदावरी रिवर पर पोलावरम डैम, पोलावरम प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट इज़ इन दी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे नागार्जुना सागर डैम, सरीसैलम डैम, सरीसैलम डैम और नागार्जुना सागर डैम ऑन गोदावरी रिवर पोलावरम प्रोजेक्ट, ये आपको दोनों नेम याद रखने हैं आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट वन इज़ तेलंगाना, तेलंगाना में मंजीरा रिवर पे निज़ाम सागर डैम, सिंगूर डैम, निज़ाम सागर डैम, सिंगूर डैम, ये मंजीरा रिवर पे तेलंगाना में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोयना रिवर पर कोयना डैम, सुकाना रिवर पर सुकाना डैम एंड भीमा रिवर पर भीमा डैम इन दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज़ द कर्नाटका, कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर पर तुंगभद्रा डैम, हम्पी भी यहाँ पर नज़दीक ही है, तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर पर कावेरी रिवर पर कृष्णा सागर डैम, कावेरी रिवर पर कृष्णा सागर डैम एंड कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम, कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम, कावेरी रिवर पर कृष्णा सागर डैम
एंड कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु, अमरावती रिवर पर अमरावती डैम, कावेरी रिवर पर मितूर डैम, मितूर डैम, कावेरी रिवर पर मितूर डैम। कावेरी रिवर पर हमने एक और पढ़ा था कृष्णा सागर डैम, मितूर डैम इज ऑन दी कावेरी रिवर। वेगई रिवर पर वेगई डैम और भवानी सागर डैम, भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम, भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम इज आल्सो इन दी तमिलनाडु। रिवर भवानी रिवर ही है, उस पे है ये भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम के बाद है वेगई रिवर पर वेगई डैम। केरला, केरला में है ऑन पेरियार रिवर, पेरियार रिवर पे इडुक्की डैम एंड मुल्ला पेरियार डैम, इडुक्की डैम एंड मुल्ला पेरियार डैम, ये भी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे स्टेट वाइज जो हमने डैम्स किए रिवर पे। तो द टॉपिक क्या है हमारा आज, तो पहले हम टॉपिक में ये क्लियर करेंगे विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज़। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होगी, ये आपको ध्यान से नोट डाउन करनी है। तो फर्स्ट इज़ द पेलेग्रा नाइसिन, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो होती है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होती है। नेक्स्ट वन इज़ द बेरी बेरी रोग, विच इज़ ड्यू टू द थायामीन, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट वन इज़ द सक्करवी, विच इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन C, जिसको हम अस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। रिकेटस विटामिन D की एफिशिएंसी से होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से होती है। तो आपको ये पांचों की पांचों डिसीजेज जो हैं, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की वजह से होती हैं, उसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है SSCJE में भी और RRB NTPC में भी। तो एक और यहाँ पर मैंने लिखा है मीना माता डिसीज ड्यू टू दी मर्करी कंपाउंड्स, मर्करी पॉइजनिंग से, और एक होती है आउच आउच डिसीज ड्यू टू दी कैडमियम पॉइजनिंग, कैडमियम पॉइजनिंग से होती है आउच आउच डिसीज। नेक्स्ट इसके बाद अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सी डिसीज होती है। तो ये बेसिकली ये वीडियो जो है वो डिसीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेज पे है ये वीडियो। तो फर्स्टली वायरसेस, वायरसेस से होने वाली इंपॉर्टेंट डिसीजेज में एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स, ये वायरसेस से होने वाले जो है वो डिसीज हैं। नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज कौन कौन से हैं ये भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रैक्स, ये बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज हैं। स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो जनरली फंगी से होती हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोया, प्रोटोजोया से होने वाले डिसीज में मलेरिया और कालाजर, मलेरिया का जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है, प्रोटोजोया। वॉर्म्स, वॉर्म्स से होने वाले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, एलिफेंटेसिस, तो ये जो है वो वॉर्म्स से होती हैं। और एक जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट यूज होते हैं, दे आर यूज्ड अगेंस्ट ओनली बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ये इफेक्टिव होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज प्लस और किए हमने वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीजेस के बारे में। ये इंडिपेंडेंस डे ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल, इंडिपेंडेंस डे और करंसी, ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर दी RRB NTPC और JE, SSC JE। फर्स्ट वन इज़ द नेपाल, नेपाल इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, काठमांडू वहाँ की जो है कैपिटल, काठमांडू कैपिटल है, रुपया ही है यहाँ पर करेंसी। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को हम नेपाल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज़ द 26 मार्च, 26 मार्च को बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो है वो इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे होता है, और वहाँ की कैपिटल है ढाका और वहाँ की करेंसी है टका।
ढाका वहाँ की करेंसी है, ढाका वहाँ की जो कैपिटल है बांग्लादेश में, 26 मार्च को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द 8 अगस्त को भूटान का जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 8 अगस्त को भूटान का। थिम्फू वहाँ की कैपिटल है और वहाँ पर नगलट्रम जो है वो करेंसी है। नगलट्रम भूटान, थिम्फू वहाँ की कैपिटल, और 8 अगस्त को वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द 4 फरवरी, 4 फरवरी को श्रीलंका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 4 फरवरी को श्रीलंका में। और जयावर्धनपुरा कोटे जो है वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज़ द 14 अगस्त को पाकिस्तान में, ये तो हमें याद ही है, एक दिन पहले हुआ था पाकिस्तान आज़ाद इंडिया से, 14 अगस्त को पाकिस्तान में इस्लामाबाद वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज़ द 4 जनवरी, 4 जनवरी को होता है म्यांमार का इंडिपेंडेंस डे। तो नाएपईदा जहाँ की कैपिटल है वो क्याट यहाँ की करेंसी है, क्याट नाएपईदा यहाँ की कैपिटल म्यांमार, 4 जनवरी को। 1 अक्टूबर को चाइना का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, बीजिंग यहाँ की कैपिटल और युआन यहाँ का करेंसी है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं ये हम सारे, 21 दिसंबर को इंडिपेंडेंस डे है नेपाल का, 26 मार्च को बांग्लादेश का, 8 अगस्त को भूटान का, 4 फरवरी को श्रीलंका का, 14 अगस्त को पाकिस्तान का, 4 जनवरी को म्यांमार का और 1 अक्टूबर को चाइना का, 21 दिसंबर को नेपाल का, 26 मार्च को बांग्लादेश का, 8 अगस्त को भूटान का और 4 फरवरी को श्रीलंका का, 14 अगस्त को पाकिस्तान का, 4 जनवरी को म्यांमार का और 1 अक्टूबर को चाइना का। तो ये आपको याद रखने हैं यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो द फर्स्ट इज इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। ये किनका स्लोगन है, स्टेटमेंट है मोहम्मद इकबाल की। नेक्स्ट वन इज बैक टू वेदास, दैट इज दयानंद सरस्वती जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, बैक टू वेदास। दिल्ली चलो का ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का भी सुभाष चंद्र बोस जी का ही था। और नेक्स्ट वन इज गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये जनरली एग्जाम्स में आता है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये भी किनका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। देन नेक्स्ट वन इज द डू और डाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट थी वाइल लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो आपको ये भी साथ में एक ये याद रखनी है कि बात ये कब बोली थी उन्होंने, वाइल लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इन 1942। देन नेक्स्ट वन इज द माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ये किनका था? जवाहरलाल नेहरू जी का। तो डेड और डूरनेल ये किनका था? जवाहरलाल नेहरू जी का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रोल्ड एक्ट इज ए प्रिवेंटिव मर्डर, ये किनका था? मोंटागू का। नेक्स्ट वन इज द स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये था बाल गंगाधर तिलक जी का क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट वन इज द एवरी ब्लो दैट इज हर्ड ऑन माई बैक विल बी ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये नारा था लाला लाजपत राय। देन नेक्स्ट वन इज द जय जवान जय किसान, दैट इज द लाल बहादुर शास्त्री जी का, ये हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका नारा था जय जवान जय किसान, इनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी काफ़ी काम किया था। धर्म चक्र परिवर्तन ये किनका था? महात्मा बुद्ध जी का था ये धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट वन इज द कांग्रेस इज टोटिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज, ये था लॉर्ड कर्जन का। तो इसमें से बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कौन से याद रखने हैं, इनकलाब जिंदाबाद वाला मोहम्मद इकबाल, सेकंड वन इज द दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस, और डू और डाई और गिव मी ब्लड वाला ये एक सुभाष चंद्र बोस जी का और दूसरा महात्मा गांधी जी का,
नेक्स्ट वन इज द ये जवाहरलाल नेहरू वाला भी इम्पोर्टेंट है और रोल्ट एक्ट स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये तो आपको याद ही रहेगा लाला लाजपत राय जी वाला, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और ये लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दैट इज द लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट टाइटल्स। तो इंडिया की जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ को टाइटल मिले हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट इज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। बादशाह खान, बादशाह खान इज अब्दुल गफ्फर खान, अब्दुल गफ्फर खान। बापू और महात्मा, मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहते हैं, महात्मा गांधी जी को कहते हैं। बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते हैं? बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। चाचा, चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को बोलते हैं। सी आर, सी राजगोपालचार्य जी को बोलते हैं। दीन बंधु सी एफ एंड्रियास और देश बंधु सी आर दास। दीन बंधु सी एफ एंड्रियास एंड देश बंधु सी आर दास जी को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द इनलाइटेड वन और लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं गौतम बुद्धा जी को, महात्मा बुद्धा भी कहते हैं इनको। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट अशांति, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक जी को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी को। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को ये टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को। देन नेक्स्ट वन इज द महामाना, महामाना बोलते हैं मदन मोहन मालवीय जी को, मदन मोहन मालवीय जी को। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया ये बोलते हैं दयानंद सरस्वती जी को, दयानंद सरस्वती जी को। नेक्स्ट वन इज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, दयानंद सरस्वती जी को। मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम बिखाजी रस्तम कोमा, बिखाजी, बिखाजी रस्तम कोमा को बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। नेताजी, नेताजी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। नाइट एंजल ऑफ इंडिया, नाइट एंजल ऑफ इंडिया बोलते हैं सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को बोलते हैं नाइट एंजल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। पैरट ऑफ इंडिया, तोताई हिंदुस्तान, तोताई हिंदुस्तान पैरट ऑफ इंडिया बोलते हैं अमीर खुसरो जी को, अमीर खुसरो जी को बोलते हैं, खुसरो जी को बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज द पेट्रोएट ऑफ पेट्रोएट्स, पेट्रोएट ऑफ पेट्रोएट्स बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, पेट्रोएट ऑफ पेट्रोएट्स बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट वन इज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी बोलते हैं लाला लाजपत राय जी को। स्क्रोच ऑफ गोड चंगेज खान को, स्ट्रोंग मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। देन नेक्स्ट वन इज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं अब्दुल गफ्फर खान जी को। गुरुदेव गिवन बाय महात्मा गांधी टू दी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या बोलते हैं? गुरुदेव। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोए जी, दादा भाई नरोए जी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंडियन बिस्मार्क, इंडियन बिस्मार्क बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, इंडियन बिस्मार्क बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इंडियन आइंस्टाइन, इंडियन आइंस्टाइन बोलते हैं नागार्जुना को, नागार्जुना को बोलते हैं इंडियन आइंस्टाइन। इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन बोलते हैं समुद्र गुप्ता को, समुद्र गुप्ता को बोलते हैं इंडियन नेपोलियन। जेपी और लोक नायक, लोक नायक और जेपी ये बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोलते हैं? जेपी और लोक नायक, लोक नायक। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल जी को बोलते हैं लाल बाल पाल। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस सर चार्ल्स मेटकाल्फे, सर चार्ल्स, चार्ल्स मेटकाल्फे जी को बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। नेक्स्ट वन इज द लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब और शेरे पंजाब बोलते हैं लाला लाजपत राय जी को, लॉयन ऑफ पंजाब और शेरे पंजाब बोलते हैं लाला लाजपत राय जी को। लोकमान्या, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी को क्या बोलते हैं? लोकमान्या।
लोकमान्य बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को, और लोक नायक किसे बोलते थे, जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को बोलते हैं जेपी और लोकनायक, और लोकमान्य बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को। तो इस वीडियो में मेनली जो नेम आते हैं वो तीन बंदों के नाम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों के जो भी टाइटल्स हैं मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, ये सुभाष चंद्र बोस जी को, उसके बाद नेताजी भी सुभाष चंद्र बोस जी को ही बोलते हैं, और उसके अलावा पेट्रोइट ऑफ पेट्रोइट्स, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी को ही बोलते हैं। तो बीकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, नेताजी एंड पेट्रोइट ऑफ पेट्रोइट्स, ये तीनों नाम सुभाष चंद्र बोस जी के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद अब हम करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कौन कौन से नाम हैं, तो इसमें फर्स्ट है आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं, और उसके बाद इंडियन बिस्मार्क भी बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो तीन नाम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद रखने हैं, आयरन मैन, स्ट्रॉन्ग मैन एंड इंडियन बिस्मार्क। देन लास्ट है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी के कौन कौन से नेम आपको याद रखने हैं, फर्स्ट इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक जी को बोलते हैं, और नेक्स्ट वन इज लोकमान्य, लोकमान्य भी बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को बोलते हैं, लोकमान्य फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये दो नाम आपको बाल गंगाधर तिलक जी के याद रखने हैं, लोकमान्य और लोकमान्य के अलावा कौन सा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली द स्केल्टन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट को हम से ही हमने स्केल्टन तैयार किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का। मैनी प्रोविजन्स वार इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, कई और कॉन्स्टिट्यूशंस से भी कई चीज़ें उठाई गई हैं, तो इनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें से क्या क्या उठाया गया, तो उसमें से उठाया गया ये बेसिक प्रीमाइस और ब्लू प्रिंट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का विद फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो इससे हमने फेडरल सिस्टम उठाया। फेडरल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो बटी होती है स्टेट्स और सेंटर में और आगे पंचायत्स में। विद फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एमरजेंसी पावर्स, जो एमरजेंसी प्रोविजंस होती हैं जैसे कि नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने जो है वह ये ब्लूप्रिंट था सिंपल, और फेडरल सिस्टम गवर्नर के ऑफिस के बारे में, और एमरजेंसी प्रोविजंस इसमें से उठाई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने क्या कुछ उठाया है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से उठाया है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप ही होती है, इंडिया की सिटीजनशिप हमें मिलती है, ठीक है। बाईकैमरल मीन्स दो होते हैं सदन, जैसे हमारे होती है लोकसभा और राज्यसभा, जैसे स्टेट्स में होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और ऑफिस ऑफ गैग, ये सभी कुछ हमने ब्रिटेन से उठाया है। तो ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स और सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑफिस ऑफ गैग, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये अगले वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने क्या उठाया, फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से उठाए हैं, यूएसए से हमने उठाए हैं फंडामेंटल राइट्स।
परमेबल जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, जहाँ से संविधान स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन है उसकी, उसको हम परमेबल बोलते हैं, वो भी हमने उठाई है यूएसए से। वाइस फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी वहाँ से उठाए हैं। तो आपको इसमें से दो अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट इज़ द फंडामेंटल राइट्स एंड सेकेंड इज़ द परमेबल। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने यहाँ से उठाई है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल उनकी, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने यहाँ पर उठाई है, यहाँ से ही उठाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। नेक्स्ट वन जो आपको ध्यान में रखना है, यूएसए से तो हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा से हमने क्या उठाया है, कैनेडा से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेजिडरी पावर टू द सेंटर, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। जो हमारे यहाँ पर जो है वो सेंटर जो है वो अपॉइंट करता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स को, प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी एक्शन देती है सुप्रीम कोर्ट अपना, तो एडवाइस देती है ना सुप्रीम कोर्ट, जनरली हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। तो कनाडा से आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से उठाया है। नेक्स्ट वन इज़ द आयरलैंड, आयरलैंड से हमने कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स हमने उठाए थे यूएसए से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने उठाया है आयरलैंड से, आयरलैंड से हमने उठाया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगी, ये भी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये मेन ध्यान रखना है कि जो हमारे डीपीएसपी है वो हमने कहाँ से उठाए हैं, आयरलैंड से। जर्मनी से, जर्मनी से क्या है, जर्मनी का है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन हो जाती है आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के, तो ये सारा जो है वो हमने जर्मनी से उठाया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन कहाँ से उठाई है, ड्यूरिंग एमरजेंसी जर्मनी से। बाद में ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको एक दो चीज़ें यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, जो हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस हमारा जो होता है लोकसभा, इनकी जो ज्वाइंट सिटिंग है, ये हमने आर्टिकल नंबर 108 जो है वो उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कमर्स प्रोविजंस, कंकरेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कमर्स प्रोविजंस, ये हमने उठाई हैं ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कमर्स प्रोविजंस, आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। तो अगला इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने क्या कुछ उठाया है, जो अमेंडमेंट है होती है विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट होती है उसका कॉन्सेप्ट हमने उठाया है साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाएंगे, उनकी भी इलेक्शन का प्रोसीजर जो है हमने साउथ अफ्रीका से ही उठाया है। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रांस, फ्रांस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से हमने क्या कुछ उठाया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो होता है, भारत एक गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना हम, इंडिया रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक है वो हमारी प्रीमेबल में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, वो हमने उठाया है फ्रांस से। और जो प्रीमेबल में भी और भी बातें लिखी हुई हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने उठाई हैं, परमेबल जो हमारा लिखा हुआ है वे, ये भी हमने उठाई हैं फ्रांस से। लिबर्टी, क्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द यूएसएसआर, रशिया से, रशिया से हमने क्या उठाई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जो उठाई हैं आर्टिकल नंबर 51A एंड ये हमने उठाई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से,
तो ये रशिया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी, जो हमारे परमेवल में लिखा हुआ है ना, जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट भी, इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, सेकुलर वाला भी परमेवल में लिखा हुआ है, जस्टिस वाला भी, ये सारे हमने जो उठाए हैं, कहाँ कहाँ से उठाए हैं, जो ही वो ही तो हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो रशिया से हमने उठाया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने क्या उठाया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये हमने उठाया है जापान से। एक ब्रिटेन का हमने कर लिया था वैसे, रूल ऑफ लॉ से, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, रिट्स जो है हमारी वो वहाँ से उठाई हैं, बाई कैमलरिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जर्नी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो ये फ्रांस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है हमारा वो USA वाला फंडामेंटल राइट्स वाला, और तीसरा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, और आयरलैंड वाला, ठीक है जी। फ्रांस वाला याद रखना है आपको, ब्रिटेन वाला या सॉरी USA वाला याद रखना है, फ्रांस, USA, आयरलैंड वाला, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने उठाई हैं USSR रशिया से, वो याद आपको रखना है। तो दैट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया मेल्स एंड फीमेल्स कैटेगरी, के मेल्स में फर्स्ट कौन है और फीमेल्स में फर्स्ट कौन है डिफरेंट इवेंट्स में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं मेल्स से। फर्स्ट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट इंडियन नोबल ल्यूरेट, मतलब पहले नोबल प्राइज किसको, किस मेल को नोबल पुरस्कार सबसे पहले मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर में। तो नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन मेल टू गेट भारत रत्न अवार्ड, पहले कौन से भारतीय को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, दैट इज द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये हमारे पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, इंडिया के वैसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर मेल कैटेगरी में कौन बने थे, जीवी मावलंकर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे होता है 11 नवंबर को, तो इसको नेशनल एजुकेशन डे से भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को स्विम करके किसने क्रॉस किया था पहले इंडियन ने, दैट इज द मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबल प्राइज, साइंटिस्ट ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिनको सबसे पहले नोबल प्राइज मिला था, दैट इज द CV Raman, इंडियन साइंटिस्ट CV Raman, ये फिजिक्स में इनको मिला था, इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया टू गेट नोबल प्राइज इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस में मिला था हरगोबिंद खुराना को। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अपने इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन थे, दैट इज़ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी, पटना मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, तो पटना का जो पहले पी है वो होती है पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग और अग्नि, ये मिसाइल्स हैं हमारी इंडिया की। तो आपको इसके बारे में भी ये भी जानकारी इकट्ठी करनी है कि इनमें से कौन सी सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। तो पृथ्वी मिसाइल तो हमारी सरफेस टू सरफेस है, बट जो आकाश और त्रिशूल मिसाइल हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। नाग जो है वो हमारी इन कैटेगरी में नहीं आती, वो फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल है, और ये जो अग्नि मिसाइल है ये भी सरफेस टू सरफेस है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ द बद्रुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। इंडिया द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट फॉरन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न पहले फॉरन रिसिपेंट कौन थे, खान अब्दुल गफर खान जो हमारे भारत रत्न रिसीव करने वाले पहले फॉरनर थे। फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में किसको मिला था, दैट इज़ द डॉक्टर अमर्त्या सेन को। फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JRD टाटा।
फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इंडिया में कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस, जिन्होंने ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया था, दैट इज़ द मोरारजी देसाई। फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ए ऑफिस, जो ऑफिस में डाई हो गए थे, मीन्स अपनी टर्म के दौरान डाई हो गए थे प्रेजिडेंट, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल, ऐसे कौन से इंडियन हैं जो साउथ पोल पे गए हुए हैं, दैट इज़ द जे के बजाज। फर्स्ट इंडियन टू क्लिंप माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के विदाउट जो है माउंट एवरेस्ट को पार किया था, दैट इज़ द इंडियन शेरपा फू दोरजी। फर्स्ट मैन टू क्लिंप माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट को मतलब चढ़े थे दो माउंट एवरेस्ट पे, दैट इज़ द नवंग गोम्बू शेरपा। ये भी दोनों शेरपा ही थे, मतलब शेरपा फू दोरजी और नवंग गोम्बू शेरपा। तो ऐसे इंडियन मैन टू जिन्होंने सबसे पहली बारी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे विद ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर ईयर के हिसाब से बोलें तो 1965 में अवतार सिंह चीमा जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर गए थे इंडिया के इंडियन। वैसे एवरेज डे जो है वो मई 29 को होता है, और पहले जो गए थे वो शेरपा तेंजिंग नोरगे एंड एडमंड हिलारी गए थे माउंट एवरेस्ट पे 1953 को, दैट इज़ द। अब आते हैं हम फीमेल कैटेगरी में, तो फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट, भारत की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति कौन है, दैट इज़ द प्रतिभा पाटिल। इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंडिया फर्स्ट वुमेन गवर्नर, इंडिया की ऐसी महिला जो पहली गवर्नर बनी है किसी स्टेट की, दैट इज़ द सरोजिनी नायडू। वुमेन रूलर, रूलर दिल्ली सल्तनत पे कौन बनी थी, रज़िया सुल्तान। फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी वुमेन में। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूपी की बनी थी सुचेता कृपालनी। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, तो फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृता कौर। ये हमारी फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट वन इज राजकुमारी अमृता कौर हमारी फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, एनी बेसंत 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। तो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज कौन है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये मुस्लिम थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्रा, निर्जा पनोट। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस, इंडियन वुमेन जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो पहली भारतीय जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, जो मेल कैटेगरी में थे वो थे महीर सेन, और जो फीमेल कैटेगरी में हैं वो है राती साहा हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है स्विम करके। नोबल प्राइज विजेता फर्स्ट वुमेन इंडिया में है मदर ट्रेसा, और मेल कैटेगरी में कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिंप माउंट एवरेस्ट, जो मदर ट्रेसा है उनको मिला था मदर ट्रेसा को नोबल प्राइज़ जो है वो पीस में मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिंप माउंट एवरेस्ट, इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लिंप किया, दैट इज़ द बछेंद्री पाल, जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लिंप किया है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिंप माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ द बछेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड कौन बनी है, वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड कौन बनी है, मतलब इंडियन वुमेन, दैट इज़ द मिस रेता फारिया। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लिंप माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने दो बार चढ़ा है, दैट इज़ द संतोष यादव। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, इंडिया की पहली वुमेन जिसको भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी को। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला आशा पूर्णा देवी को। तो मेल कैटेगरी में सबसे मेल्स में अगर देखें तो सबसे पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो जे एस करूप को मिला था।
तो फीमेल में आशा पूर्णा देवी को। फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन ए WTA टाइटल, WTA टाइटल इंडियन वूमेन किसको मिला, सानिया मिर्जा को। फर्स्ट इंडियन वूमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की मतलब कमर्शियल पायलट जो थी, कमर्शियल पायलट 1956 की, दैट इज़ द दुर्बा बैनर्जी। दुर्बा बैनर्जी हैं जो हमारी 1956 की पहली इंडियन एयरलाइंस की पायलट हैं। फर्स्ट इंडियन वूमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, जिन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाया था, टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, वैसे मतलब 1936 में जो हमारी मतलब पहली वूमेन पायलट थी जिन्होंने जहाज उड़ाया था, दैट इज़ द सरला ठकराल। तो अगर आपको फर्स्ट इंडियन वूमेन पायलट आता है तो आपको पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, मान लीजिए दुर्बा बैनर्जी और सरला ठकराल। अगर तो साथ में ये कमर्शियल वर्ड लिखा होगा तो आपने दुर्बा बैनर्जी पर लगाना है। अगर सीधा वैसे ही आता है फर्स्ट इंडियन वूमेन पायलट, तो अगर ऑप्शन में सरला ठकराल है तो सरला ठकराल ही लगाना है, ठीक है जी। कमर्शियल पायलट थी दुर्बा बैनर्जी, वैसे इंडिया की पायलट थी सरला ठकराल। फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन ए गोल्ड इन एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली कमलजीत संधू, कमलजीत संधू थी जो हमारी एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली, कमलजीत संधू। फर्स्ट इंडियन वूमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन वूमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल की, वो थी सरोजनी नायडू। इंडियन वूमेन टू विन द बुकर प्राइज, जिन्होंने बुकर प्राइज जीता, जो बुकर प्राइज हर साल दिए जाते हैं, वो बुकर प्राइज इंडियन वूमेन कौन सी ने जीता है, अरुण दत्ती रॉय ने, अरुण दत्ती रॉय ने जो इंडियन वूमेन है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था। फर्स्ट वूमेन मजिशियन टू गेट भारत रत्न, फर्स्ट वूमेन मजिशियन टू गेट भारत रत्न, दैट इज द ऐसी फर्स्ट वूमेन मजिशियन टू गेट भारत रत्न MS सुब्बा लक्ष्मी को, ऐसी इंडियन मजिशियन हैं जिनको भारत रत्न मिला है। फर्स्ट इंडियन वूमेन टू गो इनटू स्पेस कल्पना चावला, कल्पना चावला गई थी इंडियन वूमेन स्पेस में। और फर्स्ट इंडियन वूमेन लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट इंडियन वूमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज़ द मीरा कुमार, मीरा कुमार जो थी वो हमारी फर्स्ट इंडियन वूमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने इम्पोर्टेंट मेल्स कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी पढ़ी इंडिया की। ये इंडिया में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।